तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र में बिजली वितरण कंपनी महावितरण के ग्राहकों पर 50,000 रुपए के बिजली बिल के बकाया को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आम जनता को बिजली के बिल में कोई राहत नहीं मिल रही। संकेत के बीच विपक्ष ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे मोर्चा कर रहे हो? जो बड़े हुए बिल आए हैं और उसके ऊपर ब्याज लगाकर आ रहा है, पूरे महीनों का बिल एक साथ क्लब करके जो बड़े हुए यूनिट्स के हिसाब से रेट लगाया गया है, हमारा आंदोलन है कि स्लैब वाइज उसका रेट लगना चाहिए। जैसे बिजली के बिल स्लैब वाइज चलते हैं, 0 से 100 यूनिट का, 100 से 200 यूनिट का, 300 यूनिट का, पर उन्होंने एक साथ 1,000 यूनिट 1,200 यूनिट का बिल लगाया है और उसके ऊपर ब्याज भी लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये आंदोलन है, उसी के विषय के ऊपर आज हमने महाराष्ट्र सरकार का निषेध किया, बड़े हुए बिल जलाए, और हम महाराष्ट्र सरकार ये बड़े हुए बिल वापसी लेगी। अगर ये बिल वापसी नहीं होते हैं तो ये आंदोलन और तेज होगा, भारतीय जनता पार्टी इसको उग्र करेगी। अभी आप क्या मांग कर रहे हो सरकार से? हमारी सरकार से मांग है सबके बड़े हुए बिजली बिल जो है लॉकडाउन के समय के उनको माफ़ किया जाए, जो उन पर ब्याज लगा है वो उनको माफ़ किया जाए, और उनको स्लैब के हिसाब से, उनको डिवीजन के हिसाब से, स्लैब के हिसाब से सही रेट लगा के उनसे पैसा लिया जाए और पैसा भरने के लिए उन्हें टाइम दिया जाए। यहाँ पर यहाँ के लोगों का तीव्र रोष है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर हमने एक प्रदर्शन लिया है। यहाँ बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमारे साथ हमारे माजी नगर सेवक साहब हैं। बिजली बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो।